क्या आपने ईश्वर को देखा है? एक युवा साहसी ऐसा व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा घोर आस्था में नहीं रहा, और वो शुरू में नास्तिक थे, उनका मानना था, वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उनका मानना था कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपने कर्म पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। लेकिन 8 वर्ष की अवस्था जैसे ही इनकी हुई 1871 में, इन्हें ईश्वरचंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में इन्हें दाखिला दिलवाया गया और वहाँ से इनकी शिक्षा शुरू हुई। प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने 1st डिवीज़न में स्नातक किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी ये प्रशिक्षित थे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में इन्होंने यूरोपीय शिक्षा ली और 1884 में इन्होंने स्नातक की डिग्री पूर्ण की। इनका एक ही स्वप्न था कि हमारा समाज जाति धर्म के भेद से मुक्त हो जाए, ताकि हमारे समाज की जो गरीबी है, जो समस्याएं हैं, जो दुराग्रह है, वो सबको समाप्त किया जा सके। और इनका मानना था कि हमारे जो मन की शांति है वो सिर्फ इसी बात से मिल सकती है कि यदि हम मानव की सेवा करें, और क्योंकि मानव में ही परमात्मा का निवास होता है, इसलिए जो गरीब और निर्धन लोग हैं, कमजोर लोग हैं, ऐसे लोगों की सेवा ही सबसे उत्तम कार्य है। उन्होंने हमेशा समानता, सम्मान पर बल दिया, दूसरों को समझने पर बल दिया, और उन्होंने यह भी कहा कि भूखे पेट शिक्षा नहीं दी जा सकती, तो सबसे पहले हमें गरीबों के भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए और फिर शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और साथ साथ में हमें स्वास्थ्य के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। इसीलिए बड़े होकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन, जो इनके गुरु थे परमहंस रामकृष्ण, उनके नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो आज भी 130 इकाइयां भारत में कार्यरत है, और ये लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगा रही। इनकी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, जिन लाइब्रेरीज में ये ISPCS तक की किताबें होती हैं, और वहाँ जो मठ में गुरुजी लोग रहते हैं वो उनको प्रशिक्षित करते हैं युवाओं को, और वहाँ आज के दिन युवा दिवस पर भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, ताकि इनके प्रचार प्रसार करवाया जा सके इनका शिक्षा का। उनका कहना था कि सर्वसाधारण को शिक्षा मिलनी चाहिए, एक एक व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए। हमें मंदिरों से मंदिर की मूर्ति हटाकर वहाँ मानव स्थापित करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से, ताकि अपने देश का विकास किया जा सके। जब वो अमेरिका गए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने 1893 में, तब उन्होंने वहाँ देखा, वो जापान होते हुए, चीन होते हुए, और वहाँ पहुँचे शिकागो में, उन्हें वहाँ शिक्षा भाषण के लिए अनुमति नहीं मिली थी, परंतु 2 मिनट की अनुमति वहाँ एक अमेरिकी प्रोफेसर की अनुमति से वहाँ उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया, जहाँ उनके भाषणों की शुरुआत मेरे प्यारे अमेरिकी वासियों, भाइयों और बहनों से शुरू हुई। तो उन्होंने वहाँ यह बताया कि हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारे लोगों को भ्रांतियाँ हैं, और इन भ्रांतियों को उन्होंने दूर किया। लोगों का वहाँ मानना था कि यहाँ की औरतें, यहाँ की महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चों को बक्सों में बंद करके बहा देती हैं, कुंती जैसी, या उनको तिरस्कार कर देती हैं। लेकिन उन्होंने उनका सच्चा पक्ष रखा, हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने बताया कि ये एक बहुत ही विशाल और ऐसा धर्म है जो सभी को अपने शरण में ले सकता है। जिस समय जरथुस्त समाप्त हो रहे थे, उस समय भारत ने उनको शरण दिया। जिस समय ईसाई धर्म में वहाँ अशांति चल रही थी, उस समय केरल में आकर के उनको भी शरण दिया गया। तो इसलिए जो हिंदू धर्म है वो एक ऐसा श्रेष्ठ धर्म है, इसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके बारे में लोग परिचित नहीं है, इसीलिए ऐसी बात करते हैं, उनका ऐसा मानना था। इसीलिए उन्हें 21 वर्ष की अवस्था में, इतनी बड़ी अवस्था में उन्हें हिंदू विश्व धर्म सम्मेलन स्थापित करने के लिए, और वहाँ पर जाकर के उन्होंने जो भाषण दिया, इसलिए उनको वहाँ पर लोग साइक्लोनिक हिंदू कहा जाने लगा। उनके साइक्लोन की तरह, साइक्लोन माने एक चक्रवात की तरह, झंझावात की तरह उन्हें झिंझोड़ दिया गया हिंदू धर्म को, और इसीलिए उनको भाषणों के लिए जगह जगह शिकागो में, अमेरिका में बुलाया जाने लगा, और इससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, लोग प्रभावित हुए उनके विचारों से। अब मैं इन बातों को छोड़ते हुए सबसे पहले जो लास्ट मेरा पॉइंट है वो है शिक्षा व्यवस्था। जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें स्वामी विवेकानंद के विचार सबसे प्रमुख क्या थे, इसके बारे में अब हम लोग कुछ मैं बात बताना चाहूँगी। वो मुख्य रूप से सर्वसाधारण की शिक्षा के पक्षधर थे, और उनका मानना था हर किसी को शिक्षा का मिलना चाहिए, और उसके लिए वो जरूर से ये हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। और मैकाले शिक्षा पद्धति के वो घोर विरोधी थे।
उन्होंने कहा कि महकाले शिक्षा पद्धति जो है वो बाबुओं को खाली निर्मित करने के लिए बनाई गई है, जबकि वो अंग्रेज अपने सिर्फ कार्य कुछ कर सके, लोग लिखा पढ़ी के बस उतनी ही शिक्षा देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लॉर्ड महकाले की शिक्षा पद्धति पर तिरस्कार किया। उन्होंने कहा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का सर्वांगीण विकास करे, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को आत्मनिर्भर बनाए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, उसके अंदर सही और गलत की पहचान करे, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उसमें शेर जैसा साहस पैदा करे जो समस्याओं से डट कर सामना कर सके। उनका मानना था कि यदि आपके पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है, यानी एक समस्या आ रही है, तो आप उससे भागिए मत, जितना भागिएगा वो समस्या आपके पीछे उतनी ही आएगी, उसका एक बार डट कर पीछे पलट कर सामना कीजिए, वो समस्या अपने आप समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दिया, उन्होंने कहा हमें व्यवहारिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मन का बल बढ़े ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, उसमें बुद्धि का विकास हो, बालकों को स्वावलंबी बनाया जाए, बालक बालिका की समान शिक्षा के वो हिमायती थे। उनका मानना था कि धार्मिक शिक्षा का आचरण और संस्कार हमारे संस्कारों द्वारा होना चाहिए, ना कि किताबों के माध्यम से। हमारे अंदर जो धार्मिक संस्कार हैं वो हम अपने आचरण में उतारें ताकि बच्चे उन्हें सीखें और उन्हें सीखकर समझ सकें। इसके साथ ही साथ उन्होंने मानवीय शिक्षा के बारे में कहा कि ये परिवार से ही मिलनी चाहिए हमें, जैसे बड़ों का सम्मान करना, छोटों को स्नेह करना, या दूसरों के प्रति किस प्रकार हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है और कहाँ हमें बातचीत करनी है, कहाँ नहीं बल्कि बोलना है, इन सारी चीज़ों की शिक्षा हमें परिवार में ही मिल जानी चाहिए ताकि एक परफेक्ट व्यक्तित्व पनप सके। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मानव में जो कटुता आई है उसे समाप्त करना बहुत आवश्यक है, तभी हम विकास की ओर बढ़ सकेंगे। उन्होंने विरोध भी बहुत चीज़ों का विरोध किया, जिसमें धर्मांधता सबसे प्रमुख थी। उनका मानना था कि धर्म हमारे लिए एक अंधभक्ति पैदा करता है, हमें इस तरह के धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। सांप्रदायिकता के वो घोर विरोधी थे, हठ धर्मिता के घोर विरोधी थे। उन्होंने विभत्स वंशधर का भी, धर्मांधता का भी बहुत ज़्यादा विरोध किया। उनका यह भी मानना था कि किसी भी व्यक्ति को तलवार और लेखनी से होने वाले उत्पीड़न से बचाना चाहिए। जिस प्रकार तलवार हमारे लिए मानव जाति के लिए उत्पीड़न का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है, उसी प्रकार लेखनी भी उत्पीड़न का एक बहुत बड़ा कारण है, तो दोनों उत्पीड़नों से मानव जाति को बचाना बहुत आवश्यक है। अंत में मैं यह बताना चाहूँगी कि स्वामी जी ने यह कल्पना की और उन्हें अपनी इस प्रकार कविता के माध्यम से बताया, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भर भूजे के भार से, कारखानों से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों और पर्वतों से। तो आप हम लोग आज ऐसे स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं जो श्री रामकृष्ण परमहंस के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी उन्होंने गुरु की लगातार उन्होंने सेवा की, और जबकि अन्य शिष्य जो थे वो उनसे विमुख हो जाते थे, लेकिन उन्होंने उनका कहना था कि हमें जो भी कार्य हम करें हम अपने आसपास के वातावरण को भी भूल जाएं, इतना डूब जाएं उस कार्य में, तभी वो कार्य परफेक्ट हो सकता है और हम उस कार्य में प्रगति पा सकते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और भारत को रास्ता दिखाने वाले ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को मैं नमन करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।